दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा पोस्टर वॉर के जरिए आप नेताओं पर कड़े और तीखे हमले कर रही है। दिल्ली भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गुरुवार को एक के बाद एक नए पोस्टर शेयर कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली के ठग यानी ठग्स ऑफ दिल्ली कहकर घेरा है। इससे पोस्टर में कैप्शन दिया गया है, रियल लाइफ से रियल लाइफ तक धन्यवाद आप हमें याद दिलाने के लिए। एक पुरानी फिल्म के पोस्टर के तर्ज पर बनाए गए इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को जहां महाठग तो वहीं मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, कैलाश गहलोत को दिल्ली के ठग बताया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली भाजपा लगातार ऐसे ही पोस्टर जारी करती रही है। बीते दिनों भाजपा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक पोस्टर जारी करते हुए उन्हें लुटेरा तक बताया था। बता दें कि साल 1958 में गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, 7 दिसंबर को मतगणना होगी। साल 2017 के निकाय चुनावों में भाजपा ने 270 में से 181 वार्ड में जीत हासिल की थी। प्रत्याशियों के निधन के कारण 2 सीटों पर मतदान नहीं हो सका। आपने 48 वार्ड में जीत हासिल की थी जबकि कांग्रेस 27 वार्डों पर ही जीत सकी थी, मगर इस बार ये मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा रहा है।